ये उन दिनों की बात है कि नैना आपको याद है, क्यूट सी नैना। समीर और नैना की केमिस्ट्री, मैं तो दोनों को आज भी मिस करती हूँ। नैना यानी कि आशीष सिंह जल्दी ही एक नए शो में कम बैक कर रही हैं। वेल, नैना यानी कि आशी कितना बदल गई हैं, वो क्या कर रही हैं, और आज सास बहू और सस्पेंस के साथ वो आपको नजर आने वाली हैं कुछ स्पेशल करते हुए। हाउ एक्साइटेड यू आर टू मीट नैना यानी कि आशी? मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ। वाओ, लौट आई नैना। टीवी पर हो रही है समीर की नैना की वापसी। सबसे ज्यादा क्लोज टू माय हार्ट वुड बी नैना। सीधी साधी नैना इस बार भी आपका दिल जीतेगी। मैं प्ले करने वाली हूँ देवी। तो गाइस, ये माइथोलॉजी की देवी बिल्कुल भी नहीं है। वेल, आशी के नए कैरेक्टर की बात हम बाद में जानेंगे, लेकिन पहले सास बहू और सस्पेंस के साथ आशी की समुद्र किनारे की सैर हो जाए। जहां एक्सरसाइज भी होगी, तो कोरोना से बचने की जंग में आशी अपना हाथ भी बटाएंगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, मुंबई के बैंड स्टैंड पर चलते हैं। क्योंकि मेरा नया शो स्टार्ट होने वाला है, मैं फिर से बहुत बिजी हो जाऊंगी बाय गॉड्स ग्रेस। तो उससे पहले जो मुझे टाइम मिला है, मैं उसे स्पेंड करना चाहती हूँ खुद के साथ बहुत अच्छे से। सो आई एम नेचर लवर एंड आई एम जो एडवेंस एंड जो नेचर पसंद है कि सबको पसंद होता है क्योंकि नेचर होते ही इतना ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे मुंबई में हमारे पास जो सबसे पास का और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग का ऑप्शन होता है वो ऑफकोर्स समुद्र बीचेस। तो बस मैं आ जाती हूँ टाइम स्पेंड करने। बैंड स्टैंड पर आशी को सबसे पहले दिखा ओपन जिम, जिस पर उन्होंने एक्सरसाइज की और खूब एंजॉय किया। इसके बाद आशी बिना देर किए समुद्र के पानी में उतर गई और खुद को रिजुविनेट करने लगी। काफी एंजॉय कर रही हूँ और आज ये जगह काफी खाली भी है, क्योंकि अराउंड यहाँ ज्यादा लोग भी नहीं है, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो नेचुरल हवा है जो वो फेस पे पड़ती है, आई रियली लव दिस फील, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं कितना ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। दिन के आखिरी में आप इतने ज्यादा थक जाते हैं और कुछ आप करते ही नहीं है, मतलब खुद के लिए टाइम निकालना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। एंड मेरे लिए तो इट इज रियली डिफिकल्ट बिकॉज मुझे सोना बहुत पसंद है। तो अगर मुझे टाइम मिलता है, मैं घर जाके सोना पसंद करती हूँ। तो या दिस इज समथिंग जो मैं यूजली नहीं करती और मैंने आज किया। वैसे आपको बता दें कि आशी जल्द ही दिल जैसे धड़के धड़कने दो में देवी के कैरेक्टर में दिखेंगी और इति के कैरेक्टर को लेकर बात करते आशी थक नहीं रही हैं। मैं प्ले करने वाली हूँ देवी। तो गाइस, ये माइथोलॉजी की देवी बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लड़की है जिसे लगता है कि वो देवी है। इट्स एन इल्यूजन फॉर हर कि
मैं जैसे मैंने बचपन से बिलीव किया है, मुझे पता है कि मैं लड़की हूँ और आके अब मुझे कोई बोले कि नहीं तुम तो लड़का हो, सो इट्स मोर लाइक दैट फॉर इति, क्योंकि उसने बचपन से बिलीव किया है कि वो इंसान है ही नहीं, वो तो भगवान है और अब उसे जिससे प्यार होगा वो आके उसको बोलेगा कि तुम नॉर्मल इंसान हो, तो उसके लिए वो चीज़ बिलीव करना या उस जोन में आना कि उसे बिलीव करना कि वो इंसान है, वो सच में देवी नहीं है, वो काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है उसके लिए। आशी इति के कैरेक्टर को लेकर खुश है, लेकिन आशी के दिल के सबसे करीब कोई रोल है तो वो है नैना का ही। मेरी लाइफ में कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए लेकिन वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा क्लोज टू माय हार्ट वुड बी नैना, क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज द फर्स्ट कैरेक्टर जिसको मैंने इतना टाइम दिया और वो मैंने बहुत दिल से किया और जितने भी टाइम किया वो उसकी लाइक इट हैज अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट, तो ठीक है, कांट बी रिप्लेस्ड। ये तो थी आशी की बात, लेकिन आशी पर्सनल वर्क में भी सोशल वर्क नहीं भूलती और जब बात कोरोना वायरस जैसी महामारी की हो तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए आशी ने सास बहू और सस्पेंस के साथ मिलकर लोगों को मास्क डोनेट किया। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जब आप पब्लिक प्लेस में हैं तो आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए एंड आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अपने हाथ बार बार धोइए, अवॉइड गोइंग इन पब्लिक प्लेसेस, बी एट होम, आई एम गोना बी एट होम और अब मैं घर से बाहर नहीं निकलने वाली। कोरोना के खतरे के बीच आशी ने इंडिया टीवी की भी जमकर तारीफ की। इस टाइम पे मास्क के जो रेट्स हो गए हैं वो इतने ज्यादा हाई हो गए हैं फॉर नो रीजन, क्योंकि सबको मास्क चाहिए, डिमांड बहुत ज्यादा है और ऐसे टाइम पे उन लोगों को जो मास्क अफोर्ड, मतलब जो लोग अपने पैसे कहीं और इन्वेस्ट करना ज्यादा ठीक समझते हैं रेदर देन बाइंग अ मास्क, उन्हें मास्क डोनेट करना इज अ वेरी गुड थिंग जो इंडिया टीवी कर रही है। बिलाशी वक्त है चलने का और आपको आपके नए रोल के लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस। मुंबई से इंडिया टीवी के लिए आशुतोष की रिपोर्ट।